नमस्कार दोस्तों, एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ आज, वनीता कदम। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र हिंगोली के। हिंगोली? हिंगोली कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में? कितना दूर है ये मुंबई से? मुंबई से 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर है? 500 किलोमीटर। अच्छा, ये जब आए थे उस टाइम पे क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मुझे पेशाब में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं 10-10 मिनट के टाइम से जाती थी, फिर भी पेट इतना फूला हुआ था मेरा। फिर दो बार मेरे स्टेन डाल दिए, उसके बाद थोड़ा पेशाब का कम हो गया, लेकिन क्रिएटिन का प्रॉब्लम बढ़ गया था। तो आपकी दवाई लेने से अब मेरा 4.11 से 3 तक आ गया है सिर्फ 4 महीने में। 4.11 3 हो गया, पहले बढ़ रहा था, अब बढ़ा भी नहीं और रिड्यूस भी हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। फिजिकली कैसे महसूस कर रहे थे पहले आप? फिजिकली मुझे थकावट ज्यादा महसूस हो रही थी और दवाइयां ले लेके मैं थक गई थी। और जो वापुरो में हम चले गए थे तो उन्होंने बता दिया था कि आपका जो 3 पॉइंट है उस समय 3 था, तो उतना ही रहेगा, नहीं तो हम कम भी नहीं कर सकते और ज्यादा भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद से वो बढ़ गया फिर से। अच्छा, बढ़ गया, उन्होंने बोला था बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये बढ़ता चला गया। लेकिन बढ़ता चला गया, दवाई तो उनकी भी चालू ही थी। और उन्होंने हमें एक एडवाइस दी थी कि आपकी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, अगर 6 के ऊपर गया तो डायलिसिस करना पड़ेगा, और डायलिसिस के बाद आपकी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बता था। तो अभी तो ये कम हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है। जो आपकी दवाई दी है मैंने वही टाइम पे ली, बाकी जो दवाई है वो मैं टाइम पे टाइम खाती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको नजर आए हैं और क्रिएटिनिन लेवल भी कम हुआ है। 4.2 था क्रिएटिनिन लेवल जब आए थे। यस, अपोलो से कराया है उन्होंने टेस्ट, 9 सितंबर 2019 4.2 क्रिएटिनिन लेवल था। यूरिया जो था वो 62 के आसपास था, और इसके बाद अब इन्होंने जो कराया है वो 3 तक आ चुका है क्रिएटिनिन लेवल, और यूरिया जो 68 हुआ है। दोनों चीजों में इम्प्रूवमेंट है। फिजिकली भी आपको पहले से बेटर लग रहा होगा, क्या क्या फर्क लग रहा है? मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो कम हो गया, और मंथली जो पीरियड था वो 22-23 दिन के आ रहा था, अभी नहीं, अभी 30 दिन के बाद ही आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। बहुत अच्छी चीज है, तो बहुत अच्छे चेंजेस भी आए। तो आप भी देख रहे होंगे कि इस प्रकार से इनको चेंजेस आए हैं। इम्प्रूवमेंट अच्छा है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, और क्रिएटिनिन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है, और फिट भी महसूस कर रही है, है ना? ऐसा नहीं लग रहा ना बीमार है, है ना? चलिए, बहुत अच्छी चीज है, और पहले से फिजिकली बहुत मच बेटर है। क्रिएट लेवल भी इनका काफी रिड्यूस हुआ है, 4 से लेके 3 ग्रेड में, पहले बढ़ रहा था, बढ़ा नहीं है, कम भी होना शुरू हुआ है। आपको पता है वीडियो के अंत में क्या बोलते हैं? आगे वीडियो देखिए हमारी, हाँ क्या बोलते हैं? आपकी दवाई जो बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। मेरी परेशानी तो बहुत सी दूर हो गई। अच्छा, क्या क्या परेशानी दूर हुई? वही पेशाब का प्रॉब्लम था, अभी दवाइयां खाना कम हो गई, और जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। मुझे पहले डर लग रहा था कि शायद मेरा ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, अब नहीं लग रहा है कि अब हो रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। फिट महसूस कर रहा हूं, ऐसा लग रहा ना बीमार है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नजर आए, और फिजिकली भी बहुत अच्छे चेंजेस आए।